स्वागत आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो पर। और गाइस आज की जो वीडियो है ये सिंपली से होने वाली है कि वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, चाहे वो कार्टून वीडियो हो, टैग वीडियो हो, वॉइस वीडियो हो, कोई भी वीडियो हो, उसको अपलोड करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि अगर हम वीडियो अच्छी बना लेते हैं, यह तरीका भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि भाई किस तरीके से हम उसको अपलोड करें ताकि हमारी वीडियो वायरल होने के चांस ज्यादा बढ़ जाए। तो सिंपली से वो मैं आपको अभी लाइव अपने चैनल्स पर एक वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस तरह से आपको अपलोड करना है। क्योंकि भाई वीडियो हम काफ़ी अच्छी बना लेते हैं, ऑडियोज में हम काफ़ी अच्छी दे देते हैं, एडिटिंग कर लेते हैं, लेकिन जब अपलोडिंग की बात आती है तो फिर वहाँ पर थोड़ी सी हमको प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि हम जल्दबाजी में उसको अपलोड कर देते हैं। हम देखते हैं कि भाई टाइम थोड़ा सा बचा है, अब जल्द से जल्द इसको अपलोड करना है, तो हम उसको अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम जल्दी के चक्कर में हम उसको जल्दबाजी अपलोड कर देते हैं। तो वहाँ पर आपको हल्का एक ध्यान रखना है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। और वैसे इससे काफ़ी सारे फायदे हैं क्योंकि अपलोड करने का अगर सही तरीका रहेगा तो भाई वीडियो वायरल होगी होगी, मतलब 90% चांस वहाँ भी आपके रहते हैं। जैसा आपका थंबनेल, टाइटल वगैरह आप पे रहता है, ऐसा अपलोड करने के तरीका पे भी रहता है। और गाइस अब आजकल हमारे थंबनेल जो है वो कुछ अलग तरीके के बन रहे हैं, तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स करके बताना कि भाई थंबनेल आपको ये कैसे लग रहे हैं या पहले वाले बेटर थे। तो गाइस मैं यहाँ पर आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको चल लेके चलता हूँ अपने इजी माइंड के यूट्यूब चैनल्स पर। उस पर एक वीडियो अपलोड मेरे को अभी जस्ट करना है, तो मैं उसका दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैं अपलोड करता हूँ और सही तरीका उसका क्या है। चलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। गाइस आप देख सकते हो मैं अपने मेन चैनल्स पर यहाँ पर आ गया हूँ। अब मैं सिंपली से आपको यहीं पर वीडियो अपलोड करके दिखाता हूँ कि भाई किस तरह से वीडियो अपलोड करना चाहिए, और आपको उससे पहले ही गाइस पता चल जाएगा कि कौन सा मेरा टॉपिक अपलोड होने वाला है। तो सिंपली से सबसे पहले क्या है कि आप अपने यूट्यूब चैनल्स पर आ जाइए। ये देखिए मैं अपने मेन चैनल्स पर हूँ जिसका नाम है इजी माइंड टेक, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो। तो सबसे पहले हमको प्लस वाले आइकन पर करना है, इसके बाद क्रिएट शॉर्ट, अपलोड वीडियो, लाइव स्टोरी, क्रिएट पोस्ट, मतलब ये आपको नहीं करना, आपको सिंपली से अपलोड अ वीडियो जो सेकंड नंबर पर है इस पर क्लिक करना है। तो इस पर मैं जैसा ही क्लिक करता हूँ भाई मेरी सारी की सारी वीडियो मेरे सामने आ गई हैं। तो सिंपली से जो फर्स्ट वाली वीडियो है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ भाई स्लो नेट के कारण ये चल नहीं पाई है। अब यहाँ पर आपको कुछ देखना है, देखिए सबसे पहले विजिबिलिटी को आपको अनलिस्टेड ही रखना है। गाइस मैं आपको बता दूँ ये आपको अनलिस्टेड ही रखना है, इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको आगे बताऊँगा। टाइटल में आपको अभी कुछ नहीं देना, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देना, कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, बस ये विजिबिलिटी अनलिस्टेड रखना है, ये आपको 100% ध्यान देना है। इसके बाद मैं इसको अपलोड पर लगा देता हूँ, और यहाँ पर देखिए मेरा वीडियो जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। आज की डेट है 8 अक्टूबर, जब ये वीडियो हो रही है तो 8 अक्टूबर 2022 उसमें जो ऑलरेडी डेट आ गई है। तो देखिए ये वीडियो मेरा अपलोड हो रहा है, और गाइस अब मेरे को बताना मेरा थंबनेल कुछ किस तरह से है। तो चलिए ये अपलोड हो रहा है, इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं, हम आ जाते हैं हमारे होम पेज पर। अब मैं जाता हूँ अपने YT स्टूडियो ऐप्स में। जी हाँ, जो भी करना है मेरे को यहीं से करना है, तो मैं YT स्टूडियो ऐप्स में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, और ये देखिए जो मेरा वीडियो है वो वहाँ से अपलोड हो रहा है। और यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने कंटेंट पर, तो कंटेंट पर देखिए ऊपर ऊपर एक वीडियो हमको दिख रहा है, ये वही वीडियो है जो हमारा वहाँ पर अपलोड हो रहा है। ये देखिए अभी विजिबिलिटी पेंडिंग है, तो मैं सिंपली से इसके एडिट पे जाता हूँ। अब एडिट पर ऊपर सबसे पहले जो पेंसिल का आइकन है इस पर जाता हूँ, कस्टम थंबनेल पर जाता हूँ। अब मेरा गाइस उसका टॉपिक क्या है, वो है ट्विन क्राफ्ट वीडियो का, जो कि एक फुल ट्यूटोरियल आ रहा है वीडियो पे। इस वीडियो से वैसे वो पहले आ गया होगा, तो ये उसका थंबनेल है, ट्विन क्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल, ऐसे बनते हैं कार्टून वीडियो। तो सिंपली से मैं इसको डन कर देता हूँ। अब यहाँ पर टाइटल, अब टाइटल का हिसाब देखिए सबसे पहला अक्षर हमको बड़ा वाला रखना है, फिर छोटे, TWEEN, ये हो गया ट्विन। अब मैं फिर से एक बड़ा रखूँगा, CRAFT, ट्विन क्राफ्ट, फिर मैं एक बड़ा रखूँगा फुल ट्यूटोरियल, ये ट्विन क्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल। अब सिंपली से मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ से हिंदी में कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐसे बनाए जाते हैं कार्टून
वीडियो। ऐसे बनाए जाते हैं कार्टून वीडियो। तो यहाँ पर मैं वीडियो टाइप कर देता हूँ। चलिए, थोड़ा इंग्लिश का वर्ड मिलने में थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, तो चलिए ये मैंने कर दिया है वीडियो। अब इसके बाद मैं फिर इसको इंग्लिश में करता हूँ और यहाँ पर लिख दूँगा मैं मोबाइल से। और यहाँ पर गाइस देखिए, जो हिंदी और इंग्लिश के जो बीच का गैप है, यहाँ पर आपको एक ये वाला लगा देना है इस तरह से कुछ। और यहाँ पर आप चाहें तो गाइस अपने चैनल्स का नाम वगैरह डाल सकते हैं। वैसे मैं कभी डालता तो नहीं हूँ, लेकिन चलो मैं आपको बता दूँ, बढ़िया रहता है। ये मैंने डाल दिया है। इसके बाद गाइस इसको पूरा का पूरा आपको कॉपी कर लेना है, और ये कॉपी करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में ये पेस्ट कर देना है। अब मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। अब गाइस मेरे टोटल जो वीडियोस हैं सभी के डिस्क्रिप्शन में सेम रखता हूँ, आपको पता है। तो मैं मेरा किसी और वीडियो पर जाता हूँ और वहाँ से जो है वो डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से चलिए मेरा जो डिस्क्रिप्शन है पूरा का पूरा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ ब्लॉग चैनल्स लिंक के यहाँ से। और इसको मैं सिंपली से यहाँ से ये कॉपी कर लिया है मैंने। और अब मैं जाता हूँ सेम उसी वीडियो पर जो मेरा अपलोड हो रहा है। तो इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर, मैंने जो है वो पूरा का पूरा मेरा डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, और इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। गाइस अब आती है बात हमारे टैग्स की। तो टैग्स के लिए मैं यूज करता हूँ ये टैग यू करके एक एप्लीकेशन है ये। अब जैसे मेरा वो है कि ट्विन क्राफ्ट के ऊपर वीडियो है, तो सजेस्ट कीवर्ड पर जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर सिंपली से ट्विन क्राफ्ट सर्च करूँगा। तो ये मैंने ट्विन क्राफ्ट करके और इसको चेक कर दिया। अब ये ट्विन क्राफ्ट से रिलेटेड जो टैग्स हैं वो हमको दे दिया। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी हो गए हैं। अब मैं जाता हूँ अपने YT स्टूडियो में, इसको मैं एडिट में जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, एड टैग्स में जाता हूँ। ये सिंपली से इसको यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और ये सिंबल लगा देता हूँ और इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। गाइस अब हमारा बात रही मोनेटाइजेशन की, तो मोनेटाइज अभी हमारा वीडियो देखिए अपलोड हो रहा है, ओनली 37 MB अपलोड हुआ है। यहाँ पर नेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो जैसे ये वीडियो अपलोड होगा हम इसमें मोनेटाइजेशन को ऑन कर सकते हैं। और अपने क्रोम ब्राउजर में इसमें एंड स्क्रीन वगैरह लगाना, अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं सब कुछ बता देता हूँ। तो आपको आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गई होगी कि किस तरह से वीडियो अपलोड की जाती है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपना वीडियो की ओर। आई होप गाइस आप बड़ी आसानी से सीख गए होंगे कि भाई वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। बस आपको छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल्स पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। सो बस तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो से, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।